ये जो कैंग का वेरिएंट देख रहे हो, इसको कैप्टन कैंग बोलना चाहिए या नहीं, ये आप डिसाइड करना। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1958 में कैप्टन की बॉडी बर्फ में दबी हुई थी और उसी समय एक सुपर हीरो की टीम थी जिसको एजेंट ऑफ एटलस कहा जाता था। कैंग ने उन सुपर हीरो को हिंट दिया कि कैप की बॉडी वहाँ बर्फ के नीचे दबी हुई है और कैंग ने प्लान बनाया कि कैसे एजेंट ऑफ एटलस कैप्टन अमेरिका की जमी बॉडी के पास पहुंच जाए और उसे वहां से निकाले। लेकिन कैप्टन अमेरिका का 1958 में आना उस यूनिवर्स की टाइमलाइन को खत्म करना शुरू कर देता है। तब ये कैंग अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए एजेंट ऑफ एटलस के साथ कैप्टन अमेरिका को भी ब्लैक होल में फेंक देता है और अपने आउटफिट में कैप्टन अमेरिका के स्टार सिंबल को ऐड करता है। आपको क्या लगता है, इसने सही किया गलत, नीचे कमेंट में बताओ।